नमस्कार दोस्तों, मैं सी अनुप भाटिया हाजिर हूँ आपके सामने फॉर्म 16 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन लेकर के, क्योंकि फॉर्म 16 सैलरीड क्लास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्म है और अभी अभी खत्म हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जो आपको फॉर्म 16 इशू होगा उसके अंदर क्या कुछ विशिष्ट बातें हैं जो अब सरकार ने बदल दी हैं, चेंज कर दी हैं, मैं उस पर आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। तो देखिए सर, के पहली बात महत्वपूर्ण ये है कि फॉर्म 16 में चेंज करने की आवश्यकता महसूस क्यों हुई, ऐसा क्या था कि सरकार को फॉर्म 16 में चेंज करने के लिए कोई आवश्यकता प्रतीत हुई। बेसिकली व्हाट वाज हैपनिंग दैट इन फ्यू केसेस इट वाज नोटेड बाय द गवर्नमेंट रादर इन नंबर ऑफ केसेस एट वेरियस प्लेसेस कि लोगों ने अपने फॉर्म 16 के डिडक्शंस में और रिटर्न के अंदर जो डिडक्शंस क्लेम किए उसमें डिफरेंस लिया। तो सर, ये कोई ऐसी कंपल्शन तो नहीं थी कि आपके फॉर्म 16 के डिडक्शन और ITR में क्लेम किए गए डिडक्शंस में फर्क नहीं हो सकता? फर्क हो सकता है, लेकिन कुछ टैक्स प्रैक्टिशनर्स ने भी शायद ऐसी हेल्प करी कि सर मैं आपकी रिटर्न फाइल कर दूंगा और आपको 5,000-10,000 का रिफंड दिलवा दूंगा और मेरी फीस भी एक सर्टेन अमाउंट है, एक्स अमाउंट, उसका परसेंटेज या ये मैं चार्ज कर लूंगा। तो इससे हुआ क्या कि कुछ ऐसे लोगों को CBDT ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ा जो कि असासी लोगों को इस प्रकार की गलत प्रैक्टिस अडॉप्ट करने के लिए प्रोवोक कर रहे थे कि आप तो साहब डिडक्शन क्लेम कर लो, ज्यादा कौन देख रहा है। और अगर आपने इस हीट को देखा हो कि पिछले असेसमेंट ईयर के लिए जब आपने रिटर्न भरी और जैसे ही आपके फॉर्म 26AS में और आपकी ITR के अंदर चेंजेस आए तो डिपार्टमेंट ने आपसे क्लेरिफिकेशन मांगा कि भैया बताइए चेंज क्यों है फिगर में, फॉर्म 16 के अनुसार ही आपका 26AS अपलोड हो रहा था, अब 26AS में सैलरी आ रही है किसी असेसी 5,75,000, ITR में वो क्लेम कर रहा है 4,50,000। तो ये डिफरेंस का कारण CBDT पूछ रही थी। तो गवर्नमेंट को लगा एक काम करते हैं, अपन अपने घर को ही दुरुस्त करते हैं कि फॉर्म 16 को थोड़ा और प्रिसाइज लेवल तक जाकर के क्रिएट करते हैं ताकि इस प्रकार के जो डिफरेंसेस असेसी लोग क्लेम करते हैं कि मैंने अपने एम्प्लॉयर के समक्ष फॉर्म 16 में कोई डिडक्शंस लिए और ITR में मैंने उनके डिडक्शंस के क्वांटम को चेंज कर लिया। हालांकि सर, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि फॉर्म 16 के अंदर क्लेम किए गए डिडक्शन में, यानी जो मैंने एम्प्लॉयर को बताया, और मेरे ITR के डिडक्शंस में फर्क नहीं हो सकता। हो सकता है फर्क और अभी भी रहेगा, भविष्य में भी यदि आपके पास जेन्युइन रीजन है तो आपके दोनों फिगर्स चेंज होंगे। बट द पॉसिबिलिटी इज दैट इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉर्म 16 सैलरी and your ITR salary, then probably income tax department will reach you in a better questionnaire format to tell them that as to on what basis, किस किस कारण से आपके उस particular form 16 में और ITR की income में changes आए हैं। तो सर, मैं थोड़ा सा आपको form 16 का breakup, जैसा आप already जानते हैं कि part A और part B दो breakup इसके अंदर होते हैं। part A तो simple basic information कि आपका कितना TDS काटा, किसने काटा, आपका PAN number, सामने वाले का PAN और TAN, लेकिन part B महत्वपूर्ण है क्योंकि ये computation दिखाता है और ये computation का जो part B के अंदर disclosure है इसी में विशिष्ट रूप से changes आए हैं। क्या changes हैं सर? अब तक employer जो भी एग्जम्प्ट अलाउंसेस देते थे, कोई ने अपने तरीके से फॉर्म 16 में डिटेल एग्जम्प्ट अलाउंसेस बता रहे होते थे और कोई एम्प्लॉयर उनको एक साथ कंबाइंड अमाउंट बता देते थे। अब गवर्नमेंट ने बड़ा स्पेसिफिक कर दिया कि अब अगर आप एग्जम्प्ट अलाउंसेस दे रहे हैं किसी एसएससी को उसका बेनिफिट एज एन एम्प्लॉयर, तो आप उनको सेपरेटली मेंशन कर दिए, जैसे HRA, ग्रेचुटी, LTA, लीव एनकैशमेंट, कम्यूटेशन और भी जो सेक्शन 10 के अलाउंस अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है तो उसको स्पेसिफिकली फॉर्म 16 में मेंशन करना है। फर्दर, जो आप टैक्स ब्रेक्स असेसी क्लेम करता है सेक्शन 80C से लेकर के 80U के अंदर, तो एम्प्लॉयर को स्पेसिफिकली फॉर्म 16 में मेंशन करना पड़ेगा कि उसने 80C से 80U में कौन कौन से डिडक्शंस असेसी को यानी उसके एम्प्लॉय को स्पेसिफिकली अलाउ किए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ सर कि एम्प्लॉयर ने जो डिडक्शन दिखाए और मैंने जो अल्टीमेटली मेरे रिटर्न में क्लेम किए, यदि उन दोनों के अंदर फर्क होगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे से क्वेरी कर सकता है, कल उसके बारे में पूछताछ कर सकता है, कोई प्रमाण भी हो सके मांग सकता है। इसके बाद में सर, साथ ही साथ इस फॉर्म में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि यदि आपने किसी प्रीवियस एम्प्लॉयर से सैलरी रिसीव करी है
और जो आप अपने करंट एम्प्लॉयर को बताना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक मेंशनिंग है। लेकिन सर ये कोई ऐसी विशिष्ट बात नहीं है, अभी भी एम्प्लॉयज़ के लिए ये मैंडेटरी नहीं किया गया है कि वो प्रीवियस एम्प्लॉयर की सैलरी अपने करंट एम्प्लॉयर को बताएं। यदि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को करंट एम्प्लॉयर को प्रीवियस एम्प्लॉयर की सैलरी बता रहा है तब करंट एम्प्लॉयर उस प्रीवियस एम्प्लॉयर की सैलरी को शामिल करते हुए अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन ऑफ TDS करेगा। इसके साथ साथ सर यहाँ पर यह भी व्यवस्था आई है कि क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन की व्यवस्था वित्त वर्ष 18-19 से शुरू होगी, 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, तो फॉर्म 16 में उस पर भी चर्चा कर ली गई है, यानी उसके लिए एक कॉलम प्रोवाइड करा दिया। एक और बात सर जो थोड़ी चेंज फॉर्मेट में आ रही है वो क्या है कि पहले एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कोई भी हेड की दूसरे हेड की इनकम बता सकता था, नया फॉर्म 16 कहता है कि एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय केवल अपनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और अदर सोर्स की इनकम जैसे कि इंटरेस्ट इनकम वगैरह या कमीशन इनकम वगैरह बता पाएगा। यानी कैपिटल गेन की इनकम जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को पहले बता देता और उसका TDS डिडक्ट करा लेता, अब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कैपिटल गेन की इनकम नए फॉर्म 16 के अनुरूप नहीं बता पाएगा। एक बात और सर ध्यान रखनी है कि गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंगली फॉर्म 24Q, ये फॉर्म 24Q एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट नहीं है सर, ये एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है कि एम्प्लॉयर जब फॉर्म 24Q में TDS रिटर्न भरेगा तो भी सर वो एम्प्लॉय के लिए सेक्शन वाइज डिटेल चैप्टर 6A में देगा, यानी डिडक्शंस की डिटेल देगा। और यदि एम्प्लॉय ने कोई होम लोन की घोषणा करी है तो वो होम लोन जिससे लिया है उसका पैन नंबर भी बताएगा, यह भी एक व्यवस्था इन्होंने चेंज करी है। तो सर ये कुछ चेंजेस हैं जो फॉर्म 16 के अंदर सरकार लेकर के आई है, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इसका बेसिक पर्पस यही है कि डिटेल्ड ब्रेकअप ऑफ डिडक्शंस, डिटेल्ड ब्रेकअप ऑफ एग्जम्प्ट अलाउंसेस, जितना डिटेल हो सके एम्प्लॉयर से सरकार तक पहुंच जाए वो सूचना, ताकि अगर एम्प्लॉय जेन्युइनली कोई डिडक्शंस या एग्जम्प्शन नहीं क्लेम कर रहा है तो वो डिडक्शन या एग्जम्प्शन को सरकार एम्प्लॉय से फिर डिटेल के रूप में मांग सके। एक बात और सर जो मैं यहाँ ऐड करूंगा कि फॉर्म 16 की ड्यू डेट 15 जून है, यानी आपके पास मोस्ट प्रोबेबली 15 जून तक फॉर्म 16 आ जाएगा, दैट इज द लास्ट डेट इन जनरल। तो अब आप 15 जून के बाद 31 जुलाई तक अपनी रिटर्न भर पाएंगे एज अ सैलरीड एम्प्लॉय। यदि सर फॉर्म 16 से रिलेटेड आपका कोई और क्वेरी हो तो आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।